चलो 16 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16। वन मोल ऑफ ए इज हीटेड 200 डिग्री सेल्सियस। वन लीटर क्लोज फ्लास्क इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड, व्हाट इज रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। क्या होगा इसका आंसर? क्यों वो क्लोज कर दो। 16 का आंसर क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड दिया है, रेट ऑफ बैकवर्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू इक्विलिब्रियम तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ, तो फॉरवर्ड दिया है बैकवर्ड निकालना है। ये नहीं बन रहा है तुम मुझसे, पर नहीं बना है। आंसर सेम आएगा ना। नेक्स्ट 17 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। इसका लिख लेना 16 का, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। 17 पढ़ो, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन, क्योंकि जल्दी से करने के बाद हम आयनिक स्टार्ट करने वाले हैं। आए आए क्या आयनिक, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ 64 है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इतना, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कॉन्स्टेंट दिया है, तो पहला क्वेश्चन जो 16 में था वो रेट ऑफ रिएक्शन था, और ये जो क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट है, ये समझ में आया क्या? ये मत सोचना कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड इक्वल टू रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। इसमें हम लगा देंगे केसी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, रीड करो। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड NO2, केसी क्या होगा? निकालो इसको 18 को, इसमें कुछ करना भी नहीं है। जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो कहां का दे रखा है? इक्विलिब्रियम का दे रखा है, तो हमें सिंपली उसका वैल्यू पुट कर देना है। केसी इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जल्दी से बनाओ उसको। आंसर N2 का स्क्वायर लिखे हो रिएक्शन यहां दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं ना। O2 यहां लिखो, N2O2 लिखो, N नहीं N2 लिखो,
हो गया, बताने की जरूरत नहीं है ना, एनओ टू दिया है, कैसे कैसे लिखेंगे, एनओ के पावर टू और यहां एन टू और यहां ओ टू, ऐसे मत लिखना, एनओ के पावर टू एन ओ, ये केवल जीतेश को लिखना अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। समझ आ रहा है क्या? आ गया 19 में केसी दे रखा है और हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, तो केसी कैसे लिखेंगे, एच आई का स्क्वायर प्लस एच टू प्लस आई टू, ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का, ये दिया है ये दिया है ये दिया है, ये पूछ रहा है, इसमें एक्स वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिंपली वो इक्विलिब्रियम वाला पूछ रहा है, ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का ही है, इसको सॉल्व कर देना है। इसमें एक्स के तरीके से नहीं निकालेंगे, इसका एक्स है क्योंकि हमें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है। अगेन सर, तो हम लिख सकते हैं 64 इक्वल टू, ये चाहे कितना दिया है 16 और ये 2 और ये आई टू, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, आई टू हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 20, दो रिएक्शन दिया गया है और तीसरे का पूछ रहा है, तो दो रिएक्शन में रिलेशन ढूंढो कि तीसरा वाला रिएक्शन से क्या क्या किया गया है, क्या किया गया, नहीं नहीं माइनस नहीं करता, या तो ऐड किया होगा, रिवर्स किया होगा, रिवर्स करके ऐड किया होगा, तुम रिलेशन ढूंढो कि दोनों को मिला के तीसरा कैसे लाया गया है। आप बोलो, आ गया क्या किया गया दो रिएक्शन को, तो इसको देखने के लिए देखो हमें थर्ड रिएक्शन को लाना है, एक जी ओ एफ फोर प्लस टू एच एफ
और Hg, HgO3, F2 को लाना है और वाटर को लाना है। अब पहले इसके देख लेंगे राइट साइड क्या गया है। राइट साइड HgO3, F2 है। अब जो दो रिएक्शन दिया है उसमें ढूंढो कि क्या HgO3, F2 राइट साइड है कि नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन में राइट साइड दिख रहा है, मतलब हमें रिवर्स करने की जरूरत, हम पहले ये आइडिया लगा लेंगे कि हमें रिवर्स करना है कि नहीं करना है। तो ये वाला सेकेंड रिएक्शन के राइट साइड अवेलेबल है, इसका मतलब हमें रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और है वाटर, तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला रिएक्शन में वाटर तो है लेकिन लेफ्ट साइड है और हमें चाहिए राइट साइड। इसका मतलब फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, फर्स्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, HgOF4+2HF और ये हो जाएगा HgF6 और प्लस वाटर। अच्छा, इसको रिवर्स करेंगे तो इसका Kc 1/K1 हो जाएगा। अच्छा, हमने पहला को रिवर्स कर दिया और दूसरा को ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें दूसरे को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से HgF OF4+HgF6 ये बन गया HgOF4+HgO3F2। अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये HgF6 से HgF6 कैंसिल हो जाएगा, HgOF4 से HgO4 कैंसिल हो जाएगा और हमें यही वाला रिएक्शन मिल जाएगा, HgO4+2HF और ये बन जाएगा HgO3F2 और यहां वाटर। इसका Kc K2 दिया है। अगर हमें थर्ड रिएक्शन कहलाना है इसका और हम दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इस दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका अगर हमें केसी निकालना है तो इस दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद तब ये आ रहा है। इसका मतलब केसी जब दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद तीसरा का केसी निकाला जाता है तो दोनों का केसी मल्टीप्लाई में जाता है। ये 1/K1 × K2 हो जाएगा K2/K1। क्लियर? तो वैल्यू को रिवर्स, रिएक्शन को रिवर्स करने से वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा, दो रिएक्शन को ऐड करने से उसका के मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, कौन है राहुल सर? दैस वर्ती पसंद मार्क्सिट
नेक्स्ट बनाओ। चलो 21 रीड करो। ट्वेंटी वन रीड करो। ए मिक्सचर ऑफ 0.3 मोल ऑफ H2 एंड 0.3 मोल ऑफ I2 इज अलाउड टू रिएक्शन रिएक्ट इन 10 लीटर वेसल। इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट 500 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन के इज फाउंड टू बी 64। अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड I2 एट इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2 फॉर्म 2HI t=0 पर 3 मोल 3 मोल 0 t=  इक्विलिब्रियम पर 3 माइनस x 3 माइनस x 2x। x निकालने के लिए KC दिया है, KC=2x का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x का स्क्वायर है, 0.3 आ गया, 0.3 0.3 0.3। तो केसी कितना दिया है 64, तो ये 64 = हो जाएगा 2x² और 0.3 - x का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो। इधर अंडर रूट लोगे तो 8 बचेगा और इधर बचेगा 2x होगा कि रूट 2x होगा, रूट 2। एक चीज गलती लिख दिया, यहां होल ब्रैकेट है, यहां होल ब्रैकेट है, तो ये क्या आ जाएगा 2x और ये क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा यहां से 2.4 - 8x = 2x। किसका बात है? यहाँ 10x = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 0.2। अनरिएक्टेड, ये तो x रिएक्ट कर चुका है ना, कितना बचा होगा 0.3 - 2.4, हाँ 0.0। ये बताओ यहां पर हमने 10 लीटर जो वॉल्यूम दिया था उसका यूज नहीं किया हमने, क्यों? देखो अगर 10 लीटर करोगे
कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसलिए हमने यूज नहीं किया। क्लियर? 22 बनाओ। अगेन सर, व्हाट इज द वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? रिएक्शन में क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो वैल्यू उसके पावर में जाएगा, 49 के पावर में 1/2। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ अच्छा अच्छा प्रॉब्लम लेवल वन में था, ये तो बिल्कुल ऐसा, ये लेवल वन लग रहा है। उसमें 3-4 प्रॉब्लम सही सही से। चलो 22 हो गया होगा, 24 एट ए सर्टेन टेम्परेचर फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो केसी फॉर द रिएक्शन। देख के बनाओ जल्दी से, और आंसर नहीं देख के बनाना है, खुद सब एनालिसिस करो कि इसका पेन है। जल्दी से दो रिएक्शन को एनालिसिस करो और तीसरा को देखो क्या वो आ रहा है उसका आंसर। तुम अभी 22 में ही हो, फोटो खींच के मीडिया में। दो रिएक्शन को ऑब्जर्व करके तीसरा देखो कैसे आएगा, जैसे मैं देख रहा था कि रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कोडॉन साइड जिसको चाहिए वो है कि नहीं है, उस तरह से एनालिसिस करो। ये तो पक्का है कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा ये हमें जानना जरूरी होता है। उसको जानने के लिए प्रोडक्ट को चेक करो, तो अब यहां देखो, यहां लिखा है 2SO2 और O2 और 2SO3। हमें SO3 राइट हैंड साइड चाहिए, और सेकेंड वाले रिएक्शन में राइट साइड दिया गया है, मतलब सेकेंड को रिवर्स करना नीड नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं SO2 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, लेकिन पहला वाला रिएक्शन में SO2 राइट हैंड साइड है, इसका मतलब हम फर्स्ट को रिवर्स करेंगे। रिवर्स कर दो, SO2 S+O2 रिवर्स करेंगे, इसका डेटा भी रिवर्स हो जाएगा, ये -52 हो जाएगा, ये 1/52 हो जाएगा, माइनस नहीं लिखेंगे। अब सेकेंड को इसमें ऐड कर दो, सेकेंड है SO3। लेकिन एक चीज और है, यहां पर दो सल्फर को कैंसिल आउट करना है, क्योंकि इसमें सल्फर हमें नहीं चाहिए, इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक सल्फर से एक सल्फर कैंसिल कैसे हो पाएगा, इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहां जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 × 10⁻¹। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 104 आएगा ना। अब दूसरे को ऐड कर दो, अब ऐड करो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां देखो 2SO2 है, यहां 3 2 है और यहां 3 है, एक बच जाएगा ना, और यहां 2SO3, यही हमें पूछ रहा था ना, आ गया। और इसका हमें हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, और इसका K का वैल्यू दिया है 10⁻¹। अब दो रिएक्शन को हमने ऐड किया, हमें इसका चाहिए, इस दोनों का
मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/25 इंटू 10^104 इंटू 10^29। अब इसको कैसे दिया आंसर, अब ये इसको पहले लिख लेते हैं 0.04 इंटू 10^-104 और 10^29, तो 0.04 इसमें से इसको माइनस करो मेरा कितना आएगा, 10^-75 थर्ड ऑप्शन माइनस देके दिया है, वहां 4 लिखा है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 4/100 कर दो, 10^-75 ये इसको ऊपर जाएगा, तो 4 × 10^-75 और 10^-2 इसको -2 लिख दिया हमने, ये हो जाएगा 4 × इस तरह से नीट में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो हमने रिएक्शन को रिवर्स भी किया, मल्टीप्लाई भी किया और ऐड भी किया, तो तीनों चीजें इसमें इंक्लूड है, रिवर्स भी करना, मल्टीप्लाई भी करना और ऐड भी करना है? कौन सा कैलकुलेशन है, किसी का कैलकुलेशन, ये वाला स्क्वायर वाला, 5 के स्क्वायर क्या होता है, हाँ रिवर्स क्यों किया ये पूछ रहे हो क्या, हाँ वो क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो, देखो सुनो से, हमें ये रिएक्शन चाहिए ना, अब दो हमें रिएक्शन दिया है, तो सब एक तो जरूरी ये है कि दोनों रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना, ये तय है। अब हमें ये चीज पता लगाना है कि रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा कि डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा, इसको देखने के लिए हम रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ये हमें लाना है। तो इसमें SO3 राइट हैंड साइड है, हमने सेकेंड वाला रिएक्शन में देखा कि SO3 राइट हैंड साइड है, इसका मतलब हमें सेकेंड को रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं। यहां हमने देखा कि SO2 लेफ्ट हैंड साइड है, पहले वाला रिएक्शन में SO2 राइट हैंड साइड था, इसलिए हमने उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, क्योंकि बिना रिएक्टेंट साइड आ रहे हो ऐड करने से कोई मतलब है नहीं, तो पहले हमने रिवर्स किया, ये क्लियर हो गया। जब हम रिवर्स करके और ऐड करने चले थे तो यहां पर, अच्छा रिवर्स तो किए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ इतना हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। जब हम रिवर्स करके ऐड करने चले थे तो यहां सल्फर 2 था, यहां सल्फर 1 ही था, कैंसिल तो हो नहीं पाता, इसलिए इस नंबर में हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इस वैल्यू में रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका केसी में वो वैल्यू कहां जाता है, पावर में, ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 104, तो ये हमारा डेटा इस रिएक्शन का इतना आ गया, इसको हम हटा देंगे, इस रिएक्शन का डेटा इतना आ गया। अब इसको ऐड किया हमने, ये कैंसिल हुआ, ये 2 है और यहां 3 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, एक बच जाएगा O2, यहां SO2, ये हमारा रिएक्शन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी इस दोनों को ऐड करने से ये तीसरा वाला आया, इसका केसी इतना है, इसका केसी इतना है, दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद तीसरा अगर आता है तो इसका अगर हमें केसी निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर हमें तीसरा रिएक्शन का केसी निकालना है, इस दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है तो इस दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने 1/25 को लिखा 0.04, ये ऊपर गया माइनस आया ये 29। अब यहां
एन टू है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75, माइनस में आएगा तो माइनस 75 है। आंसर ऐसे नहीं दिया गया है, आंसर 77 के फॉर्म में दिया गया, यानी 4 अपन हमने 100 लिखा तो इस 100 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस 75 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होता है ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो इस रिएक्शन में तीनों इंक्लूड है, रिवर्स करना भी और मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है, हमने बोला भी था पढ़ाते समय मिक्स पूछता है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 300, इफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज ट्रिपल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 300 आएगा जितेश। केसी इज ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अब वॉल्यूम एक को बढ़ाओगे तो दूसरा वाला अपने आप कॉम्पनसेट करके उसको कैंसिल आउट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 25, वन मोल ऑफ H2 इज हीटेड, वन मोल ऑफ I2 इज फाउंड टू बी 1.48 मोल ऑफ HI इज फॉर्म आइड इक्विलिब्रियम केसी। जल्दी से बनाओ इसको 25 को, क्या निकालना है। वॉल्यूम रहेगा मुझे कैंसिल आउट, थर्टी टू पॉइंट फोर आ रहा है, आंसर कितना दिया है लेकिन डेसिमल में आ रहा है, लिख लेना वहां 32.4।
ये समझ में आ गया कैसे बनाया? 110 दिया हुआ है, ये 1 mole 1 mole दिया है, ये नहीं दिया है। 1 minus x 2x। अब तो ये देख के लग रहा हो ना कब हमें ये वाला लगाना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चंस पढ़ के तब समझ में आएगा कि ये 1 वाला x कब लगाना। हमसे दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ एचआई 1.8 है और हमारा आया है 2x। इक्वेट कर देंगे दोनों को, वो दिया है हमारा 2x है, x निकल गया, 1 minus x और ये 2x, ये इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आ गया। फिर कैसे निकाल देंगे? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26। बनाओ। अगेन सर, देखो क्वेश्चन में बोला है NH4HS अमोनिया और H2S में, NH4HS और ये गया अमोनिया और H2S, बैलेंस है 3, 2, 5, बैलेंस नहीं है क्या? रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है अभी, नहीं बैलेंस है अब, ये गैसियस फिल्म, यहां चार हाइड्रोजन एक और है। अगर हमें इसे केपी निकालना है क्या लिखेंगे? पीपी ऑफ अमोनिया इनटू पीपी ऑफ H2S, इसके बारे में तो हम लिखेंगे नहीं। बात रहा कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाए इक्विलिब्रियम पे, तो पार्स डाल्टन सॉल्व लगा देंगे, एक सॉल्व वैल्यू नहीं लगाएंगे, पीपी ऑफ एन अमोनिया, पी टोटल, यानी जब इक्विलिब्रियम आया था उस समय टोटल प्रेशर पी था 30 था, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, मोल अलग से दिया तो ठीक है और नहीं दिया है तो इसका हम कोएफिशिएंट ले लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और बोला था मैंने, मोल दिया नहीं है तो हम इसका कोएफिशिएंट ही पकड़ लेंगे, इसका मोल 1 है और टोटल मोल 2 है, इसका हम मोल नहीं पकड़ेंगे। ये आ गया 15, इसका भी 15 ही आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, डाल्टन्स लॉ हम लगा रहे हैं, ये भी 1 मोल है और टोटल मोल 2 है, 1 और 1 2, ये भी आ गया 15, 15 × 15 कितना आ गया? हाँ सा? जब इक्विलिब्रियम आ गया तब वो यूज कर सकता, और ऐसे भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, टूटने वाला केस में लगा सकते हैं। एक से क्यों निकालेंगे? हाँ, एक से क्यों निकालोगे इसको? एक से कैसे निकालो? दिखाओ कहाँ है H2 और राइट, ये वाला t = 0 पे क्या माने? t = 0 पे क्या माने? मैं उसे पूछ रहा हूँ, तो तुम क्या माने हो? t = 1 पे x है और x है। अच्छा, 15 15 कहाँ से लिख दिए? ठीक है, कर सकते, पर वो सुटेबल नहीं है, उसने जो किया ऐसे की NH4HS,
NH3 प्लस H2S। T इक्वल टू जीरो पे ये डायरेक्ट मान ली कि इक्विलिब्रियम पे एक्स है, एक्स है, और ये पार्शियल प्रेशर एक्स है, यानी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 30, एक्स इक्वल टू आ गया 50। पीछे वैसे ही दिया, अच्छा नहीं कर सकते है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन इज टू व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ SO2 एंड SO3 आर इक्वल। इसमें 100 ओवर मत लगाना, क्या लगाओगे 100 ओवर मत लगाना, डायरेक्ट ऐसे लिखना केपी इक्वल टू SO3 बना रहा है ना, तो ऐसे लिखना केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 पावर में क्या जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 पावर में क्या जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये दोनों का इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केपी इक्वल टू क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ केपी कितना दिया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा 25 पॉइंट, कितने से दिया है 0.5, कहाँ गलती हो रहा है, आंसर MM में पूछा है ना, क्या दिया है 304 ना, आंसर किसमें आया, एटीएम को एमएम ऑफ मर्क्यूरी में बदलना हो तो क्या होता है, 1 ATM इक्वल टू 760, इतना एटीएम में 760 भाई मल्टीप्लाई करो, चलो क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो, 28 हो गया ना, 28 नहीं हुआ, 28 ट्राई करो। HI इज हीटेड, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, आई डिड दिस टेम्परेचर HI 22%, अल्फा ले लेना, अल्फा क्या हो जाएगा 22/100, यानी अल्फा के जगह 0.22 लिख देना, लिख के बनाओ, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट और दिस डिसोसिएशन इज, कैसे निकालो जल्दी से, HI इज हीटेड टू टेम्परेचर, और सी के जगह पे मैं बहुत बता दे रहा हूं, सी के जगह पे टू मान लेना, तुम कुछ भी मान सकते हो, टू मानोगे तो आसानी से बनेगा, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ट्वेंटी एट में क्या बोल रहा है, HI को हीट किया गया, पहले हम रिएक्शन लिख देंगे, 2HI I2 प्लस H2, T इक्वल टू जीरो पे कुछ दिया नहीं है, टू मान लेंगे, जीरो मान लो, अपने मन से मान लो, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास, T इक्वल टू
या सी मान लो सी जीरो जीरो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे सी माइनस टू सी अल्फा या सी अल्फा और ये क्या होगा एक बार में दो जाएगा ना ये रिएक्शन कर ले अगर x लिखते तो तुम क्या लिखते अगर वन लिखता मैं तो क्या लिखता वन माइनस टू एक्स लिखते एक बार में दो रिएक्शन करने जा रहा अब यहां पर c का वैल्यू अपने मन से हम पुट कर रहे हैं टू ये हो जाएगा टू माइनस टू इंटू पॉइंट ट्वेंटी टू और ये हो जाएगा टू इंटू पॉइंट टू टू और ये हो जाएगा टू इंटू पॉइंट टू टू अब हमें क्या निकालना है केसी केसी कितना आ जाएगा टू इंटू पॉइंट टू टू इंटू टू इंटू पॉइंट टू टू और ये हो जाएगा चार इंटू पॉइंट टू टू पॉइंट एट एट आ जाएगा ये टू माइनस पॉइंट एट एट ये हो जाएगा माइनस टू वन पॉइंट टू टू ये हो जाएगा वन पॉइंट टू अगर हम डेसिमल हटाएं ये जाएगा हंड्रेड इसका अगर डेसिमल हटाएं तो ये जाएगा हंड्रेड ये गया कैंसिल और ये आ गया सिक्सटी वन और ये आ जाएगा टू इंटू पॉइंट टू टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सिक्सटी वन ये अब आ जाएगा टू इंटू पॉइंट टू टू इंटू ट्वेंटी टू डिवाइड बाय 61 ये आ गया 0.158 आंसर आ गया टू माइनस पॉइंट अच्छा वन टू हो टू इंटू ये भी आंसर नहीं आ रहा ना
एक बार क्या तू 100 भी ले सकते हो, इसने 100 लिया। हाँ सही बोल रहे, हटा दे दिया। 2 - 2 × 2 × 0.22 कितना आया था? 1.12 ना, और ये कितना आया था? सी कितना लिया था? 2 कितना आया था? 2 × 0.44 ना आया था? पॉइंट फोर फोर ही लिया था हमने, सिर्फ इंटू टू लिया। अच्छा ये केसी हो जाएगा 0.44 × 0.44 / 1.12 का स्क्वायर। ये डेसिमल डेसिमल सब गया, 44 × 44 / 112 × 112। फोर्टी फोर इंटू फोर्टी फोर डिवाइड बाई 112 डिवाइड बाई 112 C - C alpha लिखते हैं, और ये C alpha / 2 लिखते हैं, आधा बनेगा। टू में से 0.44 माइनस करो कितना आएगा? 1.56 और ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा केसी इक्वल टू। जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स आ रहा है क्या? 1 मतलब उतना ही अप्रॉक्स में आ रहा है। बता रहा हूं, एक बार ऐसे देख लो, फिर 100 पे बताते हैं, दूसरा भी वैल्यू ले सकते हैं। केसी जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड, हम जितना एज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट होता है। तुम 100 लो, 2 लो या कितना भी लो। देखो यहां पर ऐसे लिखेंगे C (0, 0) C - C alpha, एक मान लो कम हुआ, अगर ये 2 कम होता है तो 1 बनता है आधा, तो ये कितना कम हुआ? C alpha रिएक्शन हो गया, ये कितना बनेगा? C alpha /
ये दो रिएक्शन को जाएगा तो ये एक बनेगा, मतलब आधा। तो ये जब इतना कम होगा तो उसके आधा रिएक्शन को जाएगा, ये आधा उसके रिएक्शन को जाएगा। और इस तरह से हमने इसको कितना माना है, दो। तो सी के जगह तो हमने टू पुट कर दिया, ये हटाते हैं, सी के जगह पर हमने टू पुट कर दिया, सी माइनस सी अल्फा, सी ये है अल्फा, ये है सी अल्फा बाई टू, सी अल्फा बाई टू, सी अल्फा बाई टू, ये इतना इतना आ गया। हमने केसी निकाल दिया, ये आया है, उससे नहीं आ रहा थे। अब हंड्रेड में बनाते, पहले इसको लिख लो, कोएफिशिएंट चेंज करने से केसी चेंज हो जाता है। और तो वहां पर हमने स्टार्टिंग में ही टू मान लिया, ठीक है। अब हंड्रेड में बना के देखते हैं कौन सा। अब उसमें जो आया था ना, उसमें तुम क्या करो, फिर टू से डिवाइड करो, कितना आ रहा था उसका आंसर, उसका अगर नंबर में टू से करोगे स्क्वायर ले लो उसका, उसका अंडर रूट कितना आ रहा था उसका आंसर, पॉइंट पॉइंट 1.5154, उसका रूट अंडर आएगा। पहले इसको लिख लो, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। हाँ ऐसे हंड्रेड से बना के दिखाते हैं। कोएफिशिएंट चेंज करते रहे, यहाँ पर वन बाई टू से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, एच आई मान लिया था उस केस को, एच आई इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसीलिए आंसर गलत है। अब इसका आंसर गलत सेम नहीं आएगा, वो इसका आंसर आ रहा था, टू से क्यों रिएक्शन चेंज हो जाएगा ना। अब देखो हंड्रेड पे कैसे बनाएंगे, ये मान लो हंड्रेड है, ऐसा भी सोचो जब तुम्हें परसेंटेज में दिया जाए ना तो हंड्रेड ही मान लो, बराबर है, ये हंड्रेड मान लो, ये क्या मान लो, जीरो जीरो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर सी माइनस सी अल्फा, हंड्रेड माइनस हंड्रेड अल्फा, हंड्रेड अल्फा, अल्फा कितना है और ये कितना होगा, C अल्फा बाई टू, यानी 100 अल्फा अपॉन, और ये 100 इंटू 0.22 अपॉन, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे आंसर आएगा। यहां कितना आ जाएगा 78, यहां कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, तो ये इसके लिए बनाया। अब इस तुम पांच भी लेके बना सकते हो, यहां पांच रख लो, पांच से भी आंसर आएगा, जब तक कोई कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा तब तक उसका केसी चेंज, और वो वाला जो हम केसी लगा रहे थे वो इस वाला रिएक्शन लगा रहे थे, वन चाहिए हाफ वाला, हाँ चाहिए। चलो 29 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कितना रहा, 29 ए प्लस बी सी प्लस डी, स्क्वायर की हो ना, बी गैस है, वी स्टडी यूजिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.5 टाइम्स डेट ऑफ ए,
but at equilibrium concentration of B and A and B were found to be equal, then KC for the reaction. तो इसमें तुम अगर मानना चाहते हो तो B which is 1.5 times of A, A को 2 मान लो और B को 3 हो जाएगा, 2 into 1.5 3 हो जाएगा, और भी मान सकते आएगा. क्वेश्चन नंबर 29 रीड करो. हम कोई नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं या अननोन नंबर एक्स वाई भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों तरीके से बना दे रहा हूं मैं. एक पहले एक नंबर एज्यूम करके बनाते हैं, कोई भी तू नंबर ले लो, तो अपने कन्वीनियंट के अनुसार से वो नंबर लेते हैं जो डेसिमल में ना आए. चलो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ए प्लस 2B फॉर्म 2C प्लस डी, बी इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ए. ए को मान लो 2 है, 2 इंटू 1.5 टाइम्स कितना जाएगा? 3. अब अपने कन्वीनियंट के अनुसार से कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान लो, 200 भी मान लो, कुछ भी मान लो, x भी मान लो, x भी मान के बना देंगे, या दूसरा भी नंबर तो मान लो चलेगा, पाएगा नहीं सर. ये क्या होगा? टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर ये क्या होगा? 2 माइनस, ये क्या होगा? 3 माइनस 2x, और ये क्या होगा? और ये क्या होगा? अब x निकालने के लिए क्लू क्या दिया है? x निकालने के लिए बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी आर इक्वल. इक्वल कर दो, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2x. ये इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3, और ये इधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस x. ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस x. माइनस से माइनस गया, x इक्वल टू 1 आया, तो हमारा x का वैल्यू 1 आया. तो ये कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 1. x का अगर वैल्यू पुट कर दे तो अब हमें निकालना है KC. वॉल्यूम वगैरह नहीं दिया है ना, लेता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट सेम है. तो KC, C का स्क्वायर यानी 4, D 1, A 1 into 1. कितना रहे सर? 4 आ रहा है. चलो अब इसमें हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं. जैसे हमने कोई नंबर यहाँ एज्यूम कर लिया था, इसको 2 एज्यूम किया था, तो ये 3. अब तुम अपने से एज्यूम करो एक दूसरा नंबर, देखते हैं उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा. चलो एक नंबर अब तुम बताओ जिसपे, ऐसा बताना नंबर कि ये जो 1.5 टाइम्स लिखे हम तो डेसिमल में ना आए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बना रहे. बताओ t इक्वल टू 0 पे ए को क्या लिखे हम? क्या लिखो? ये 1.5 टाइम्स है, तो ऐसा एक नंबर चूज करना जो इसके 1.5 टाइम्स करने से. चलो 4 लेते हैं, यहां 4 ले लो, ये कितना हो जाएगा? 6 होगा. 0 0, t इक्वल टू 0 पर 4 माइनस x 6 माइनस, और ये अब हमें दिया है a और b इक्वल है, इसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे x का वैल्यू निकालना है ना. ये इधर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस टू, और ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स. एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 2. अब वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या गिरा? 2. 4 माइनस 2 2 आया, 4 माइनस 2 2, यहाँ 2 इंटू 2 4, और यहाँ 2. अब हमें निकालना है केसी, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 अपॉन, ये कितना आया? 2, और ये कितना आया? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जाएगा ना, कितना आ गया आंसर? क्या आंसर चेंज आया क्या? नहीं. तो तुम कुछ भी 100 भी मानोगे तो आंसर आएगा. पूछो क्यों? केसी उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तुम 100 भी मान के बना सकते हो.
एक्स भी मान के बना सकते हो, अननोन, एक अननोन भी मान के बना लो चलेगा। तो अननोन मान के बनाते हैं, ए प्लस टू बी फ्रॉम टू सी प्लस डी, इसको ए मान लो और ये हो जाएगा 1.5 ए। तो ए माइनस एक्स 1.5 ए माइनस 2x और ये x, तो तुम यहां से x निकालने की कोशिश करना। तो x कैसे निकलेगा, a माइनस एक्स इक्वल टू 1.5 ए माइनस 2x, ए इधर आएगा माइनस हो जाएगा 0.5 a इक्वल टू, ए इधर जाएगा तो प्लस माइनस x, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 0.5 a। यहां पुट करो तो ये हो जाएगा 1.5 a आ जाएगा, आएगा ना। x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू पुट करो मतलब 2 इंटू ए 1 आ जाएगा, 1 में से इतना माइनस कर दो 0.5 और ये आ जाएगा 1, माइनस नहीं है प्लस है, ये आ जाएगा 1a और ये आ जाएगा, तो यहां क्या निकाला हमने 1 माइनस एक्स यानी 0.5 a और ये 0.5 a ही आ रहा है और यहां पर कितना आ जाएगा a और यहां आ जाएगा 0.5 a। करो आंसर आ जाएगा ए सी, किसी भी नंबर पे आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 रीड करो। 1 mole of H2, 2 mole of I2 and 3 mole of HI is taken in a 1 liter flask. Equilibrium constant for the reaction is 50. Concentration of HI at equilibrium. तो जो स्टार्टिंग में मानोगे 1 mole, 2 mole और 3 mole, t इक्वल टू 0 पे तीनों को लिखोगे, H2 plus I2 to HI. H2 plus I2 form to HI. One mole, two mole और तीन मोल T equal to zero पे तुम ध्यान से पढ़ोगे तो ये इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन नहीं है, वो इनिशियल है। वो 1 mole H2, 2 mole I2 और 3 mole HI was taken in a 1 liter flask. Starting में लिया गया है, equilibrium constant 50 दिया गया है, तो यहां से t equal to 0 से equilibrium पर 1 minus x, 2 minus x और ये हो जाएगा 3 minus x. Clear? अब हमें x का वैल्यू निकालना है। x कैसे निकालेंगे, केसी दिया है, कितना दिया है 50, केसी इक्वल टू हो जाएगा 3 minus 2x का स्क्वायर और ये 1 minus x into 2 minus x और केसी है 50 है, क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। 50 इक्वल टू क्वाड्रेटिक बना लो, एक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 12x, इसका स्क्वायर
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन, इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसमें मल्टीप्लाई करो दोनों से टू, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 4x स्क्वायर, मैं पहले लिख रहा हूं, और ये 9 सॉरी प्लस 9 माइनस 12x, पहले 12x को लिख दे रहा हूं, प्लस 9, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 3x और प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 50x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 100 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको इधर लाते हैं ये हो जाएगा 50x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 150x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x प्लस 100 है, और इसको इधर लाओगे तो माइनस 9 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 46x स्क्वायर माइनस 138x प्लस 91 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक सोल्व करो, सोल्व करो एक बार क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ एचआई है, एचआई का क्या होगा, एचआई का पूछा है ना, हैं एचआई का पूछा है ना, एक्स निकालो, कितना आंसर दिया इसका एचआई का, फोर पॉइंट थ्री माइनस टू एक्स इक्वल टू 4.4, इधर जाएगा माइनस टू एक्स इक्वल टू 1.4, एक्स का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, इसको आगे क्वाड्रेटिक घर से सोल्व करना, प्रोसेस सही है बनाने का, बस क्वाड्रेटिक सोल्व करना, हाँ है तो गलती ही कर दिया मैंने, पूरा गलत हो गया, फिर तो बस प्लस प्लस करते जाओ, आए समय के साथ बढ़ेगा ना, ये हो जाएगा 162, हालांकि इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा हमें यहां पर, लेकिन निकल सकता है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1.7 आ रहा है इसका x का वैल्यू, एक बार पुट करके देखो तो 0.7 आ रहा है क्या, सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बनेगा, इसको लिख लो घर पर आराम से करना, प्रोसेस यही है, चलो 31 रीड करो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग एंड
एसिड रेन। ए रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू। केसिट ना इफ एयर ओवर द सेक्शन इन मुंबई कंटेन इतना इतना एंड इतना एंड इतना, इसको 31 को पढ़ना, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन उसको बना लो। 32 देखो जल्दी से, 32 बनाओ जल्दी से। का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर में क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। अब यहां पर हमें दे रखा है मोल का पावर माइनस टू और लीटर का क्या दे रखा है, स्क्वायर। इसका मतलब यहां हो ना हो वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। तभी तो ये मोल का माइनस आ गया, इसका प्लस आ गया, और वो भी निगेटिव कितना आ रहा है, माइनस टू। इसका मतलब माइनस टू का मतलब क्या होगा, ये वन होगा और ये कितना होगा, थ्री। यानी एक्स जो है वो थ्री होगा और वाई कितना होगा, वन। जो आंसर दिया है क्या दिया है, तो चेक करो सही है कि नहीं। कैनॉट, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस टू, एक और वाई का। पहला का तो डिफरेंस नहीं आ रहा, दूसरा का भी नहीं आ, तीसरा का नहीं आ रहा, तो किसी का आंसर सही नहीं है। ये बनाने आया कि नहीं आया, ये लॉजिकल है। हाँ चलो बताओ केसी का यूनिट क्या होता है, केसी का यूनिट क्या होता है, क्लास आना है जाना है, क्या होता है केसी का यूनिट, पावर में कुछ नहीं होता है, माइनस टू माइनस वन होता है। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हो गया नहीं हुआ। मोल पर लीटर के पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या होगा, वाई माइनस एक्स होगा। अब यहां यूनिट ये दे रखा है, सोचो कि इसको यहां लाना है, इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे मोल पर लीटर के पावर में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस टू लिखना पड़ेगा। तभी तो ये आ जाएगा मोल के पावर माइनस टू और ये हो जाएगा लीटर के स्क्वायर होगा ना। माइनस टू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस टू लाने के लिए वाई को वन मानना पड़ेगा और एक्स को थ्री मानना पड़ेगा, दूसरा भी नंबर मान सकते हैं, डिफरेंस माइनस टू आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बनाओ। और द रिएक्शन 3 लीटर वेसल 1 मोल 2 मोल एंड 4 मोल ऑफ एबीसी रिस्पेक्टिवली, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ केसी फॉर द रिएक्शन इज 10। अगर हमें कोई भी रिएक्शन को जानना है कि फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड, नॉर्मली ली चेटेलर अगर नहीं जाना चाहते, अगर डेटा दिया है तो क्वेश्चन नंबर 33 में डेटा दे रखा है। क्या डेटा दिया है, ए प्लस बी और 3C,
यहाँ हम नॉर्मली जब डेटा दिया है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब हाई से लो ये सब नहीं चेक करेंगे। डेटा क्या दिया है, बोला है कि 3 लीटर का वेसल है और ये 1, 2 और 4 मोल है, लेकिन वो लिखा नहीं कि इक्विलिब्रियम का है, किसी टाइम का होगा या इनिशियल का होगा। तो 1 है 2 है और 4 है किसी टाइम पर, 0 पे भी मान सकते हो किसी भी टाइम पे, और इसका वॉल्यूम है 3 लीटर है ना, 3 लीटर वॉल्यूम है। अच्छा कोएफिशिएंट ए प्लस बी है क्या, ए प्लस बी और 3c, यानी वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। अब यहां पर हम क्यूसी निकाल लेते हैं, क्यूसी जैसे केसी निकाला जाता वैसे किसी क्यूसी निकाला जाता है, बस डिफरेंस इतना ही है तो वो इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं और ये किसी एनी टाइम पे बात करते हैं। इसका कंसंट्रेशन कितना है 4, तो 4/3 क्योंकि हमने बदल दिया इसको कंसंट्रेशन में, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 दिया है और ये क्या हो जाएगा क्यूब है, और ये हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम कितना है इसका 3 इसके पावर में 1 और ये हो जाएगा 2/3 मोल अपॉन वॉल्यूम पावर में क्या जाएगा, ठीक है यही दिया है रिएक्शन ना ए प्लस बी 2। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 64/27 और ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 64/27 इंटू 9/2 ये लगभग कितना आ गया 10 point something आ रहा है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें अगर केसी और क्यूसी दिया जाए, क्यूसी 10 point something आ रहा है और केसी 10 है तो ज्यादा तो क्यूसी है ना, तो रिएक्शन किधर भागेगा, तो क्यूसी जैसे केसी निकाला जाता है वैसे क्यूसी निकाला जाता है, बस डिफरेंट ये है कि क्यूसी हम इक्विलिब्रियम छोड़ के कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो तुम आगे से अगर डेटा दिया जाए कभी भी तो तुम इस रिएक्शन डेटा दिया जाए कब, नहीं दिया जाए तो हम हाई मोल से लो मोल बताते ही बताते हैं, लेकिन अगर डेटा दिया जाए तो हम आसानी से क्यूसी निकाल लेंगे। क्यूसी निकालना कोई बड़ा बात नहीं, जो डेटा है वैसा ही पुट कर दो, और ये समझ में आया 3 से क्यों डिवाइड किया ना, क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम है। अच्छा कोएफिशिएंट बराबर होता तो हम वॉल्यूम से डिवाइड नहीं भी करते तो इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। क्या दिया आंसर, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो, 1 mole of SO3 is placed in 1 liter reaction vessel container temperature. Following reaction will be equilibrium established. At equilibrium 0.6 mole of SO2 form equilibrium constant for the reaction. 1 mole of SO3. बना इसको थोड़ा 34 को। अच्छा पहले 2 है तो 2 minus माइनस x वाला से बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ आ रहा है आंसर, कैलकुलेटर चाहिए यार, बड़ा नंबर आता है, बाद में घर पे करना। लिख लिया रिएक्शन 2SO3 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 0 पे कितना दिया गया है, वन है 100 इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 minus 2x, ये 2 अगर कम होगा तो ये 2 बनेगा, 2x कम हुआ तो कितना बनेगा, 2 कम होगा तो आधा बनेगा, क्या बनेगा ये x, x का वैल्यू कैसे निकाले,
एक्स के वैल्यू निकालने के लिए इक्विलिब्रियम 0.6 मोल ऑफ SO3 इज फॉर्म SO2 SO2 का कंसंट्रेशन दे रखा है इक्विलिब्रियम पे 0.6 और हमारा कितना आया 2x x इक्वल टू कितना आ गया 0.3 तो 1 माइनस 0.6 कितना जाएगा 0.4 और ये 0.6 और ये कितना जाएगा 0.3 अब हमें निकालना है Kc तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.3 अपॉन 0.4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.3 अपॉन हो जाएगा 4 इंटू 4 इस दो डेसिमल से दो डेसिमल कैंसिल हो गया 2 4 और ये 3 3 और ये 2 ये हो जाएगा 2.7 अपॉन 4 आंसर कैसे दिया है पॉइंट में ये हो जाएगा 27/40 27 डिवाइड बाई 40 0.675 दो मोल से कितना मोल बना 2 मोल कितना कम हुआ 2x ये कितना बना 2x 2 से कितना बना आधा 2x से कितना बनेगा बनेगा ना क्लियर क्वेश्चन नंबर 35 कितना ग्राम ऑफ NO2 1 लीटर वेसल हीटेड इक्विलिब्रियम इज एट इक्विलिब्रियम इतना परसेंट डिसोसिएटेड ग्राम को किसमें बदल लेंगे मोल में मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 92 कितना मोल आ जाएगा 0.1 जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को 50% डिसोसिएशन है आधा टूट के चला गया प्रोडक्ट में अगेन सर तो ये हो जाएगा 35.1 मोल हो गया 50% N2O4 डिसोसिएट हो गया N2O4 2NO2 t इक्वल टू 0 पर 0.1 0 t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 0.1 माइनस x से और ये हो जाएगा 2x 50% डिसोसिएट हो गया है यानी x का वैल्यू हो जाएगा इसका आधा चला गया 0.1/2 या c माइनस c अल्फा से भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है c N2O4 2NO2 t इक्वल टू 0 पर c 0 t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे c माइनस c अल्फा 2c अल्फा c के जगह पे रख दो 0.1 ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा और अल्फा का वैल्यू है 50/100 यानी 0.5 देखो वहीं वाला आएगा और ये 2 इंटू 0.1 और अल्फा का वैल्यू 0.1 देखते हैं यहां क्या आ रहा है
यहां हो जाएगा 1/20 यानी 0.0। अब देखो 1 - 0.5 और यहां क्या आया, सॉरी 1 - 0.05 और यहां क्या आया, यहां भी तो वही आया, आया कि नहीं आया, दोनों तरीके से सेम आएंगे। क्लियर हो गया ना, तो ये हो जाएगा बताओ कितना आएगा, और ये 2x, x का वैल्यू 0.05 × 2, ये 10.1 और 0.1 में से 0.05 माइनस करो, 0.1 माइनस 0.05 कितना आ गया, 0.05 आ जाएगा, ये 0.05 आ जाएगा। तो केसी क्या हो जाएगा इसका, 0.1 का स्क्वायर और ये वॉल्यूम वगैरह नहीं दिया है ना, 0.05, ये 0.01/0.05, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 0.2 आ जाएगा। आंसर कितना दिया, 0.2। इससे भी बना सकते हो, समझ में आया क्या, इसके बाद मैं छोड़ दिया हूं क्योंकि वैल्यू वहीं गिरेगा। ये क्लियर हो गया, 0.1 और ये कितना 0, 0.1 माइनस एक्स, ये कितना होगा 2x, x का वैल्यू क्या लेंगे, 50% डिसोसिएट हो गया है, मतलब टूट गया है, ये इसका आधा प्रोडक्ट में चला गया, इसका आधा क्या होगा, ये x ये आएगा है? ये 0.1 माइनस 0.05 ये आ जाएगा ना, क्लियर हो गया नहीं। क्लियर नॉट क्लियर तुम्हारा, नेक्स्ट 36 ट्राई करो, 1 मोल ऑफ H2S, 0.2 मोल ऑफ इतना मोल ऑफ इतना 2 लीटर ऑफ लास्ट केसी वैल्यू, एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये तो आसान है ना, ये जो भी कंसंट्रेशन दे रखा है किस टाइम का दे रखा है, इक्विलिब्रियम का दे रखा है, क्योंकि स्टैटिक सो लिखा है क्वेश्चंस में एट इक्विलिब्रियम, उसका केसी जल्दी से निकाल के दिखाओ, इसमें एक्स मत लगा देना, एक्स क्योंकि वो जो वैल्यू है वो कब का है, इक्विलिब्रियम का है, तो यही तुम्हें क्वेश्चंस में बार बार सर्च करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम का वो कंसंट्रेशन दिया है या स्टार्टिंग का दिया है, तो देखने से लग रहा है क्वेश्चंस में कि इक्विलिब्रियम का है वो, हाँ लिखा है ना, तभी तो मैं ही बोल रहा हूं। अगेन सर, अरे इसका केसी निकालने में क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो, केसी इक्वल टू हो जाएगा इसका, एच टू का कितना दिया है 0.2, 0.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एच टू का कितना दिया है 0.8 अपॉन एच टू एस का कितना दिया है, लेकिन एक चीज गलती कर बैठेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करो, कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किए थे क्या तुम लोग, एच टू एस, देखो जब कोएफिशिएंट बराबर ना हो ना तो वॉल्यूम से डिवाइड करना मत भूलो, एच टू एस, एच टू एस का कितना है 1, तो 1/2 का स्क्वायर, सो सॉल्व कर लेंगे, 0.2 × 0.8 / 2 × 2 × 2 / 1/2 × 2, ये 2 से 2 गया और इससे ये गया 0.1, ये आ जाएगा 16.3 के बाद 0,
ये आंसर थर्ड आएगा। वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल जाओगे यहाँ तो आंसर गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम सब वॉल्यूम कैंसिल नहीं हो रहा। देखो दो ही वॉल्यूम कैंसिल हुआ है, ये वॉल्यूम जो है दो ही वॉल्यूम कैंसिल हुआ, एक वॉल्यूम बच गया है। यहाँ स्क्वायर है तो हमने दो बार लिखा है, यहाँ पर एक है तो यहाँ। वॉल्यूम से डिवाइड क्यों किया हमने? बोलो बोलो कोएफिशिएंट। वॉल्यूम से डिवाइड क्यों किया हम? कंसंट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि मोल दिया है। अच्छा कहीं पर अगर कंसंट्रेशन दिया जाता तो हम हर बार नहीं ले पाते, क्यों? देखो जब कोएफिशिएंट बराबर हो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो कैंसिल आउट हो जाता है, और जब बराबर नहीं हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36-7। CO2 इन द वाटर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना pH। अच्छा इसको राउंड करो, ये pH क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लिख लो। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे क्योंकि pH है, pH थोड़ा बहुत जानते हैं। pH का मतलब क्या होता है? pH मतलब माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ, ये जानते हैं, ये इसी पे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ जल्दी से, वहां लिख लेना pH आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। जल्दी से बनाओ। वन एटमोस्फियरिक प्रेशर N2O4 20% डिसोसिएटेड इनटू इतना केपी निकालना है, तो N2O4 2NO2 टी इक्वल टू जीरो पे 1 है 0 है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C-C α 1-1α और ये 2 1α, अल्फा है 20/100 यानी 0.2, 1-0.2 और 2 × 0.2, 0.8 और 0.4 केपी, 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.8, 0.4 × 0.4 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट गया ये 4, ये 2 और ये गया 0.2, क्लियर हो गया केपी इज 0.2। आंसर कौन सा आंसर दिया? थर्टी एट का 2। वो 0.2 ही कहलाएगा ना। ये 1.66 क्यों दे रहा है इसका? कॉन्सेप्ट यही है, और 1.66 का 0.166 का मतलब 0.2 ही होता है, वही ना ये
और उसको भी टिक करो, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 39। तो जल्दी से सबको मोल में बदलो पहले। 28 ग्राम N2 है तो कितना मोल हो जाएगा? एक मोल। तो 28 ग्राम N2 मतलब एक मोल दिया है। 39 जल्दी से बनाओ। और H2 जो है कितना मोल है? 3 मोल है। और क्या बना? 2NH3। ये कितना होगा? 0। अब ये क्या होगा T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे? 1 माइनस 3 माइनस 8 3 माइनस 3x। अगर ये एक कम होता है तो कितना कम हो रहा है? अगर एक कम हो रहा है तो कितना बन रहा है? अब इक्विलिब्रियम पे अमोनिया कितना दिया है? 17 ग्राम, मतलब एक मोल। और हमारा कितना आया? 2x। x कितना आ जाएगा? यानी पॉइंट, तो ये 1 माइनस 0.5 कितना आ गया? 3 माइनस 3 इंटू 0.5 यानी 3 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? मोल आएगा ना। केसी क्या होगा? इसका स्क्वायर। और ये क्या होगा? और ये क्या होगा? होगा नहीं होगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 इंटू 15 और ऊपर कितना जीरो जाएगा? 3 और 1 4। अब ऑप्शन कैसा दिया है? पॉइंट में दिया है। एक कुछ और केसी का हमसे पूछ रहा है क्या तुम लोग को? इक्विलिब्रियम पर ये कितना है? 0.5 मोल है। किसका किसका मोल पूछ रहा? मास पूछ रहा? ये 0.5 मोल है। N2 का मास बदल दो, ये मोल है। 28 ग्राम होता है और आधा मोल है। आधा मोल में कितना मास? कितना मास है? आएगा ना 14। हाइड्रोजन का मास 2 होता है, H2 है। 1.5 मोल में कितना? यही आंसर होगा। केसी नहीं निकालना हमारा। ये समझ में आया क्या? आ गया ना। ये 1 है, क्लियर? 1 मोल। ये कितना है? ये कहां से लिख दिया मैंने? आए क्वेश्चंस में लिखा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन। ग्राम को हमने किसमें बदल दिया? मोल। ये कितना होगा? 0। 1 में से कितना x होगा? सॉरी, 1 में से कितना जाएगा? इसमें से कितना जाएगा? और ये कितना बनेगा? इक्विलिब्रियम का अमोनिया कितना आया? 2x। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, 17 ग्राम बनाया गया है। 17 ग्राम मतलब अमोनिया 17 ग्राम मतलब 17 ग्राम मतलब एक मोल। यानी हमारा इक्विलिब्रियम पे कितना आया? 2x।
और इससे कितना आया, एक्स निकल गया, एक्स का वैल्यू पुट कर दो, फिर मोल निकल जाएगा, मोल को किसमें बदल दोगे? क्लियर? तो होमवर्क लिख लो।